ओ भाई साहब, क्या था ये तो सबको पता था डीसी की फ्लैश इसी साल आने वाली है, बट यार ट्रेलर इतना औसम था तो मूवी कैसी होगी भाई? 3 मिनट का ट्रेलर होने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता मूवी में क्या होगा, क्या हो सकता है और कौन विलन है। अगर आपको लगता है जनरल जॉर्ज विलन है तो आप गलत हो। बात करते हैं ट्रेलर की, तो आपने देखा होगा ट्रेलर में हमें सबसे पहले एक घर दिखाया जाता है जिसके सामने हमें फ्लैश दिखता है अपने नए सूट के साथ। ऐसा क्यों दिखाया गया है मैं आपको बताता हूँ। तो फ्लैश की स्टोरी जो है वो काफी सैड रही है। जिन लोगों ने फ्लैश का टीवी शो नहीं देखा वो नहीं जानते होंगे इसके बारे में। तो होता कुछ ऐसा है कि फ्लैश की मॉम को मर्डर हो जाता है और इसका इल्जाम उसके पिताजी के ऊपर लग जाता है और उनको जेल हो जाती है। तो एक ही दिन में फ्लैश अपनी मॉम और डैड दोनों को खो देता है और उसको पता भी नहीं चलता क्यों। अब इन सब चीजों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है और ऐसा क्यों होता है, सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी हो। और मुझे लगता है फ्लैश इस यूनिवर्स में इसलिए आया होगा, मतलब जिसने भी उसकी मॉम को मारा है उसे रोकने के लिए आया होगा। और अगर फ्लैश ने अपनी मॉम को बचा लिया तो पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाएगी भाई, फ्लैश को उसकी पावर्स भी नहीं मिलेंगी। और आपने एक सीन्स में देखो होगा दो फ्लैश एक साथ होते हैं जिसमें एक फ्लैश थोड़ा कंफ्यूज होता है और दूसरा फ्लैश बिल्कुल नॉर्मल है। तो मुझे लगता है एक फ्लैश कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है और उसे कुछ नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। वही दूसरा फ्लैश किसी और टाइमलाइन से आया होगा उसे बताने के लिए कि पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो गई है उसकी वजह से, और फ्लैश को उसकी पावर्स भी देगा जैसा हमने देखा ट्रेलर में। ब्लू लाइटनिंग एक फ्लैश के अंदर से दूसरे फ्लैश के अंदर ट्रांसफर हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं दो फ्लैश एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं और एक दूसरे के अपोजिट ही रन कर रहे हैं। एक ब्लू लाइटनिंग में है और एक गोल्डन लाइटनिंग में, जिसे देखकर ऐसा लगता है दूसरे फ्लैश को भी उसकी पावर्स मिल गई होगी, लेकिन इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से एक फ्लैश विलन भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है जनरल जॉर्ड विलन है तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था वो मूवी का मेन विलन नहीं होगा। हाँ, ये टाइमलाइन मैन ऑफ स्टील वाली हो सकती है जिसमें फ्लैश की गड़बड़ की वजह से हमें सुपरमैन देखने को नहीं मिलेंगे, उसकी जगह सुपर गर्ल हमें दिखेगी जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मतलब वो अर्थ पर लैंड तो हुई थी लेकिन उसे किसी ने कैद कर कर रखा है और फ्लैश उसे छुड़ाने भी जाता है जैसा हमने ट्रेलर में देखा। और एक सीन में हम देखते हैं दोनों फ्लैश वेन मेनर में जाते हैं जो थोड़ा चेंज लगता है, बट वो वेन मेनर ही है। और यहाँ हमें वेन ऑफ फ्लैश की जगह माइकल कीटन वाले बैटमैन देखने को मिलते हैं और इस मूवी में हमें वेन ऑफ फ्लैश वाले बैटमैन भी दिखेंगे और बैटमैन के काफी एक्शन सीन्स भी हमें देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में हम देखते हैं दो फ्लैश लड़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा था एक फ्लैश विलन होगा, तो हमें इस मूवी में 3 फ्लैश भी दिख सकते हैं या इन दोनों में से एक फ्लैश विलन होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है मूवी में विलन कौन होगा और ट्रेलर देखकर आप मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।